नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दोस्तों, धन की देवी माँ लक्ष्मी यदि प्रसन्न हो तो व्यक्ति का पूरा जीवन ऐसो आराम में कटता है। इसके लिए रोज ही कुछ खास काम करना चाहिए जिससे जीवन में सौभाग्य सुख समृद्धि बढ़ती रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा होना बहुत ही जरूरी है, वरना जीवन अभाव और गरीबी में गुजरता है। इसलिए लोग माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा पाठ उपाय करते रहते हैं। दोस्तों, धर्म ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कई टोटके, कई उपाय बताए गए हैं ताकि धन प्राप्त करके अमीर बन सके। जिस घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं होती है, साथ ही हमेशा ही खुशहाली रहती है, जीवन में सौभाग्य बना रहता है। तो आइए जानते हैं वो कौन से काम हैं जिन्हें करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिले, कुछ सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑल कर दे ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो और आप उसका लाभ उठा सके। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर रोज कुछ जरूरी काम करना है आपको, जो कि बहुत ही आसान है, आप कर सकते हैं। और ऐसा करने से घर में हमेशा ही धन धान्य भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर हमेशा ही बनी रहेगी। दोस्तों, माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ज्यादा पसंद है। देवी लक्ष्मी उन्हीं घरों में वास करती हैं जहाँ साफ सफाई रहे, इसलिए अपने घर के रोज साफ सफाई करें और चीजों को व्यवस्थित रखें, फैला कर ना रखें। लेकिन ध्यान रहे कि घर में जो सफाई करना है वो दिन में ही करें, सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद। घर में झाड़ू पोछा करने से माँ लक्ष्मी नाराज होती हैं, क्योंकि इस समय जो होता है वो माँ लक्ष्मी के घर में आगमन का समय होता है, तो इस समय आप भूल कर भी झाड़ू पोछा ना लगाएं। देखिए, स्वास्तिक के चिन्ह को बहुत ही शुभ और पूजनीय माना गया है। पूजा पाठ शुभ कामों में स्वास्तिक के चिन्ह का उपयोग होता है। रोज घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं। ऐसा करने से घर में सौभाग्य आता है और सुख समृद्धि सकारात्मकता रहती है। साथ ही शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर हमेशा ही घर में वास करेंगी। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज माँ लक्ष्मी की आरती करें। हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की पूजा करके उन्हें सफेद मिठाई का भोग लगाएं और कन्याओं को प्रसाद बांटें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन दौलत देती हैं और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा ही बना रहता है। और आपके घर में जो भी महिलाएं हो, आप उनके साथ अच्छे से बातें कीजिए, उनको समय समय पर कुछ न कुछ गिफ्ट ला करके देते रहिए। उनके साथ कभी भी लड़ाई झगड़े ना करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी उस घर में बिल्कुल भी वास नहीं करती हैं जिस घर में महिलाओं की इज्जत नहीं होती है, जिस घर में महिलाओं को सम्मान नहीं मिलता है। इसलिए आप अपने घर की जो भी महिलाएं हैं, आपकी पत्नी हैं, माँ हैं, बहन हैं, जो भी आपके घर में महिलाएं हैं, स्त्री हैं, आप उनकी हमेशा ही इज्जत करें, सम्मान दें और समय समय पर कुछ ना कुछ उन्हें उपहार जरूर देते रहे। दोस्तों, इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।